ये हमने डिस्कस कर लिया कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, ये हो गया। ये फॉर्मूला हमने कर लिया कि रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है, ये सब हो गया। अब फॉर मेटल्स, मेटल्स के लिए जो रेजिस्टिविटी है वो 10^-8 के ऑर्डर में रहती है अप्रॉक्सीमेटली। मेटल्स के लिए 10^-8 का फैक्टर रहता है। काफ़ी मेटल्स के लिए अल्फा कोफिशेंट ऑफ जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 4×10^-3 पर डिग्री सेल्सियस के आसपास रहती है। रेजिस्टिविटी प्योर मेटल की कम होती है अलॉय से। किसी ने पूछा सर ये आपको याद है ना, मेरे को याद नहीं, मैंने बुक्स में से देखा, मैंने लिख दिया, NCERT में देखा, कहीं लिखा हुआ तो मैंने लिख दिया कि क्या पता मार्क करने को आई जाए ऑब्जेक्टिव, तो चलो नज़र मार लिया। हाँ लेकिन क्वेश्चन क्या ये आ सकता है, हाँ ये आ सकता है एक नंबर में, कि प्योर मेटल और अलॉयज में से किसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, तो किसकी कम होती है, मेटल की, किसकी ज़्यादा होती है, अलॉयज की। अंडरलाइन कर लो, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं ये, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है, अगर मैं कॉपर की रेजिस्टिविटी ड्रॉ करूँ टेम्परेचर के साथ तो ऐसे बनती है, और अगर मैं नाइक्रोम की जो अलॉय है उसको यूज़ करता हूँ तो ऐसी बनती है। अब किसी ने पूछा कि सर ये बताओ कि कॉपर की ही क्यों नोट करके लेके आए, नाइक्रोम की अगर मेरे को पेपर में कुछ और आ गया तो मैं कैसे मार्क करूँगा, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आपने यही क्यों नोट किया। नॉन ओमिक कॉपर, कॉपर कंडक्टर है, कॉपर की तारे हैं, ओमिक है कॉपर, कॉपर की तारे ही अपने घरों में लगी हुई हैं, इससे ज़्यादा ओम लॉ कौन प्रूव करेगा, ठीक। क्योंकि बुक्स में दो ही गिवन है यार, HC वर्मा के अंदर दो ही था, तो मैंने कहा यार बड़ा आदमी है यार, कहीं पता लगे कोई क्वेश्चन डालने वाला यही मार्क करवा दे कि कॉपर की क्या है, तो मैंने यार वही मार्क कर लिया। तो ऐसा कोई इसका कोई रीज़न कोई नहीं है, तो जो किताबों में गिवन है मैंने वही नोट किया, नए मेटल का क्या होगा मेरे को खुद नहीं पता क्या होगा, ठीक है। तो देख लो इसकी शक्ल कैसी है। नेक्स्ट है, अल्फा कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स। अंडरलाइन कर लो, बॉक्स में डाल लो, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। वो पूछ रहा है मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है पॉजिटिव है। और ये भी सुन लो, इसके नीचे ये भी लिख लो कि फॉर सेमी कंडक्टर्स अल्फा इज नेगेटिव, अल्फा नेगेटिव है। कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव है, सेमी कंडक्टर्स की अल्फा नेगेटिव है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये और आता है, अभी बताता हूँ क्या आएगा, अभी करेंगे डिस्कस, कि किसी भी कंडक्टर का जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ती है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने से सेमी कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस बढ़ने की बजाय क्या होती है, घटती है। तो ये भी नोट कर लें, क्वेश्चन आएगा ये क्यों कम होती है, अभी आंसर देता हूँ, नीचे लिखा हुआ है, अभी आने वाला है, पर ये लाइन लिख लो, इसके ऊपर क्वेश्चन आना है। तो जैसे सपोज जब कंडक्टर्स की बात आती है या रेजिस्टेंस की बात आती है, तो किसी भी कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है ना, कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस का यही फॉर्मूला है। देखो ना, कंडक्टर्स का जो एल्फ है वो क्या होता है, पॉजिटिव। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, एल्फा पॉजिटिव है तो बढ़ेगी। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स का एल्फा क्या होता है, नेगेटिव। ये क्यों होता है नेगेटिव भी बताता हूँ। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये फैक्टर बढ़ेगा, ओवरऑल सब्ट्रैक्शन घटेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। तो अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया कि कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस बढ़ती है टेम्परेचर के साथ, सेमीकंडक्टर की घटती है टेम्परेचर के साथ, ठीक। सेमीकंडक्टर का बिहेवियर उल्टा होता है। अब सेमीकंडक्टर्स ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, इसको पढ़ने के लिए सेमीकंडक्टर्स आ गया। तो सेमीकंडक्टर्स में ये देखा गया, देखो सेमीकंडक्टर क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर लो कर दें किसी भी सेमीकंडक्टर का तो वो एक इंसुलेटर है, और अगर आप रूम टेम्परेचर पे ले आएँ या धूप में रख दें तो एक बहुत बढ़िया कंडक्टर है। सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर मटेरियल का एग्जांपल जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन का बना होता है ये पूरा सेमीकंडक्टर मान लो। सेमीकंडक्टर में बहुत कमज़ोर बॉन्ड्स हैं,
जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो बॉन्ड बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सपोनेंशियली ब्रेक हो जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन भी फ्री इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं। तो जब इतने फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तभी तो सोलर पैनल्स हैं वहाँ पर, क्या लगता है सेमीकंडक्टर की लेयर है, क्योंकि धूप पड़ेगी लाखों करोड़ों बॉन्ड टूट जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगी ज़्यादा करंट पास करेगा। तो तभी तो हमारे घर में सोलर पैनल लगे हुए हैं या लोग लगवाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घटती है, ज़्यादा करंट उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। तो इसके अंदर उसने ये बताया, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर्स रिलैक्सेशन टाइम टाउ डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, जबकि कंडक्टर में इट चेंजेस विद टेम्परेचर। कंडक्टर में याद करो टेम्परेचर बढ़ने से टाउ घटता था, कोलिजन टाइम घटता था तो रेजिस्टेंस बढ़ती थी। इसके अंदर कोलिजन टाइम को फर्क पड़ता ही नहीं सेमीकंडक्टर में, लेकिन एन बहुत बुरी तरीके से बढ़ जाता है, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एन इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज इन टेम्परेचर, लाखों करोड़ों क्या इसमें जनरेट हो जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अब जैसी इसको सेमीकंडक्टर में अगर सेम फॉर्मूला अप्लाई करें तो टेम्परेचर बढ़ने से टाउ को तो कोई फर्क पड़ता नहीं सेमीकंडक्टर के, कोलिजन में फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन किस में फर्क पड़ा एन, जबकि कंडक्टर में एन रिमेन्स सेम, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन चेंज ही नहीं होते, सेमीकंडक्टर में बॉन्ड टूट के बहुत सारे एन जनरेट हो जाते हैं। तो एन बढ़ गया तो रो घट गया। तभी तो कहते हैं टेम्परेचर बढ़ने से एन बढ़ जाता है सेमीकंडक्टर्स में, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जिस वजह से रेजिस्टिविटी घट जाती है या रेजिस्टेंस घट जाती है। तो सही है यहाँ तक? तो इसलिए कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस बढ़ती है टेम्परेचर के साथ, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस घटती है टेम्परेचर के साथ, ये फैक्ट याद रखना। ठीक हो गया यहाँ तक? अब आगे और डिटेल में भी पढ़ लिया मैंने कि भाई कितने एन टूट जाते हैं, पूछा नहीं, ये चैप्टर के आउट ऑफ फोकस जा रहे हैं अब हम। तो एन एक्सपोनेंशियली टूटता है, ये एक्सपोनेंशियली फैक्टर दिखा रखा है, नहीं याद करना चाहिए, नहीं सेमीकंडक्टर चैप्टर में हम यूज़ करेंगे, ये चाहिए नहीं है। तो ऐसा कुछ ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं और रेजिस्टिविटी ऐसे चेंज होती है एक्सपोनेंशियली, ये भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं आपको, बस ये पता होना चाहिए, ये लाइन अंडरलाइन कर लो, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर अल्फा इज नेगेटिव, सेमीकंडक्टर और कार्बन दोनों के लिए, ये अंडरलाइन कर लो, ये पेपर में आता है, कार्बन या सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव की नेगेटिव, आपने आंसर नेगेटिव मार्क करना है, कार्बन का और सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर का अल्फा नेगेटिव है, दोनों की रेजिस्टेंस घटेगी टेम्परेचर के साथ लेकिन कंडक्टर्स की बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ। क्लियर है यहाँ तक? तो कैसे बढ़ेगी घटेगी, सेमीकंडक्टर का रो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रो घटता है, तो इसका ग्राफ है। ठीक, एक और फैक्ट सीबीएसई वाले पूछते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लाते हैं, मैं तो हैरान हूँ, मतलब थ्योरी देखो कहाँ से, एक नंबर के पीछे पढ़ रहे हैं हम सिर्फ, ये पूरा एक नंबर की गेम है सिर्फ। ठीक, एक नंबर कट ना जाए कि कहीं ऑब्जेक्टिव ऐसा आ जाए हमें ये ना लगे हमने सुना ही नहीं। अलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटन या मैगनिन आर यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉयल, कह रहे जी जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉयल्स है ना उसका मटीरियल क्या यूज़ करते हैं, जो रेजिस्टेंसेज बनती हैं इक्विपमेंट्स में यूज़ होती हैं उसका मटीरियल कॉपर नहीं है, उसमें अलॉय यूज़ करते हैं, अलॉय क्यों यूज़ करते हैं? सबसे पहले इसका रीज़न नंबर वन, अलॉय के लिए अलॉय की हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी होती है, पॉइंट नंबर वन, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, रेजिस्टिविटी हाई है तो रेजिस्टेंस हाई है, क्योंकि हम क्या बनाने जा रहे हैं रेजिस्टेंस, तो भाई रेजिस्टिविटी हाई रखोगे तभी तो रेजिस्टेंस का काम करेगी वो, तो रेजिस्टेंस हाई करने के लिए रेजिस्टिविटी हाई रखी जाती है। नंबर टू, दे हैव वेरी स्मॉल टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, अंडरलाइन कर लो, वो पूछेगा कि अलॉय को क्यों प्रेफर किया जाता है रेजिस्टेंस बनाने के लिए, तुम लिखना अल्फा इसमें छोटा होता है, अंडरलाइन करो इसे, अल्फा छोटा होने से क्या होता है, देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर के साथ ऐसे इंक्रीज होती है, ठीक है, अगर अल्फा बहुत छोटा है, मान लो 0.00001 बहुत छोटा है अलॉय का, तुम टेम्परेचर हल्का सा इंक्रीज भी कर दो इसका प्रोडक्ट स्टिल रिमेन्स, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा चेंज नहीं आता, अल्फा बढ़े तो रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज हो जाएगी, अल्फा छोटा है कम चेंज होएगी, तो इसका अल्फा छोटा होता है। अब देखो आप मान लो एक ऐसी सेंसिटिव मशीन बना रहे हो जिसमें रेजिस्टेंस कॉइल यूज़ करनी है और आपको ये डर है कि अगर पीछे से अगर मेरे इस सर्किट के अंदर करंट ज़्यादा कम हो गया तो मेरा सर्किट उड़ जाएगा या कुछ ख़राब हो जाएगा,
तो आप ये चाहते हो मेरा करंट ज़्यादा कम ना हो, कोई भी नहीं चाहता करंट चेंज हो, हर कोई चाहता है करंट कॉन्स्टेंट हो। तो आप एक ऐसी रेजिस्टेंस लगाओ जो कि अलॉय की बनी हुई है, क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर रूम का इंक्रीज भी हो गया 30 से 40 हो गया तो कम से कम उसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी, और अगर रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी तो करंट भी चेंज नहीं होगा। तो ना टेम्परेचर डाउन करने से ना टेम्परेचर अप करने से रेजिस्टेंस में कोई फर्क आएगा नहीं, तो आपका करंट कॉन्स्टेंट रहेगा। इसलिए अलॉय यूज किया जाता है क्योंकि इसका अल्फा काफ़ी लो होता है और ये टेम्परेचर चेंज करने से अपनी वैल्यू और रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करता। ठीक है यहाँ तक? तो इसका एक नंबर का आंसर होगा ऐसा हम क्यों करते हैं। और वैसे भी इसके ऊपर एटमोस्फेरिक कंडीशंस, टेम्परेचर या प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी इसका रीज़न है, पर मेन रीज़न यही है कि अल्फा बहुत छोटा होता है।